राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग सॉन्ग पे होने वाली है। ये 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे के ऊपर सॉन्ग है, तो वीडियो को पूरी देख लेना। और अगर नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लेते हैं। आशिक ने अपने मासूका से कहा, क्या कहा? प्रीव्यू देखने के बाद में आपको बिटमार्क को सेग इफेक्ट इस प्रकार इंपोर्ट कर लेना है। लाइट मोशन में इंपोर्ट करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना। इस प्रकार यहाँ पे अपना जो भी चैनल का लोगो वो लगा लेना। लगाने के बाद में आगे की तरफ आ जाना। आने के बाद में नीचे की तरफ आपको इस प्रकार इफेक्ट मिल जाएगा। इसमें फोटो एड करनी पड़ेगी आपको, तो एड कर लेना। एड करने के बाद में यहाँ पे आपको खाली इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इसी लेयर को फिर से कॉपी कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद में इसी बिट के हिसाब से आगे पेस्ट कर लेना। जिस प्रकार मैंने पेस्ट किया उसी प्रकार पेस्ट कर लेना और इसमें बिट के अंदर तक काट देना और इसमें फोटो चेंज कर लेंगे। कलर एंड फील्ड में जाने के बाद में स्टार वाले आइकन पर दबा के अपने मीडिया में से फोटो चेंज कर लेंगे। इस प्रकार फोटो ले लेनी है। लेने के बाद में आपको आगे की तरफ आ जाए। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार इफेक्ट मिल जाएगा और आगे एक और इफेक्ट मिल जाएगा, जिसमें एक में 2 लेयर होगी, एक में 5 लेयर होगी। फिर आपको आगे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे लगातार कोई इफेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे डबल बिट से पहले आपको इन्हीं इफेक्टों का यूज करना होगा। तो इनमें सबसे पहले हम 2 लेयर वाली इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। 2 लेयर वाली इफेक्ट को कॉपी लेयर कर लेते हैं। कॉपी लेयर करने के बाद में यहाँ पे आ जाना है, जहाँ पे हमारी 5 लेयर खत्म होती है वहाँ पे 2 लेयरों को पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद में आपको उसे पिक ऐड कर लेना, यहाँ से लेकर अगली बीट तक ऐड कर लेना और इसमें फोटो चेंज कर लेना है। इस प्रकार मिल जाएगी। तो कलर एंड फिल पे जाके आपको तार वाले आइकन पे जाके इसमें फोटो चेंज कर लेना। इस प्रकार मैं फोटो चेंज कर रहा हूँ। ये फोटो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से निकाल लेना। फिर आपको इस प्रकार 5 लेयर जिन्हें भी कॉपी कर लेना। 5 लेयर कॉपी करने के बाद में आपको जहाँ पे हमने 2 लेयर पेस्ट की थी वहां आगे आ जाना। जहाँ पे हमने 2 लेयर पेस्ट की वहां पे आगे आने के बाद में 5 लेयरों को पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद में सिर्फ बिट के हिसाब से ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये ज्यादा आती है, काट लेना। मैं काट लेता हूँ, इन्हें काट लेना और इसमें फोटो चेंज कर लेनी। इसी प्रकार एक बार 2 लेयर वाली इफेक्ट ऐड करना है, एक बार 5 वाली लेयर वाली इफेक्ट ऐड करना और लगातार डबल बिट तक हमें यहाँ तक इफेक्ट ऐड कर लेना। यहाँ तक फिर आपको यहाँ पे आगे की तरफ नया इफेक्ट मिल जाएगा। नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे आपको 5 लेयर मिल जाएगी इफेक्ट की, जिसमें दोनों लेयर ब्रेक लेयर मिल जाएगी। तो इनमें फोटो ऐड कर लेना। मैं ऐड करके दिखा दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ से तिरंगे की फोटो ले लेता, फोटो लेने के बाद में एक और लेयर मिल जाएगी, तो उसमें भी इसी प्रकार फोटो ऐड कर लेना। सेकंड वाली में भी उसी प्रकार ऐड कर लेना और जहां पे हमने फर्स्ट में 2 इफेक्ट कॉपी किए थे उन्हीं 2 इफेक्ट को लेकर आके यहाँ पे जिस प्रकार मैं लेके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने 2 इफेक्ट कॉपी किए थे, इन्हीं को यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेना और आपको आगे की तरफ आ जाना जहाँ पे हमारी डबल बिट लगी हुई है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे डबल बिट के आगे एक इफेक्ट तो मिल जाएगा 5 लेयर वाला। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फोटो चेंज करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना आगे की तरफ। इसे कंप्लीट लेयर कर लेना और इसी प्रकार एक लेयर ये यूज करना है, एक लेयर पे ये यूज करना है 5 वाला, एक पे ये यूज करना और यहाँ तक इसमें यूज कर लेना।
यहाँ पे 28 सेकंड से पहले पहले यूज कर लेना और इस प्रकार फिर आपको एक और इफेक्ट मिल जाएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हो तो कर लें। हम इफेक्ट वाली फाइल में से दो इफेक्ट ले आते हैं और उन्हें ऐड करके दिखाते हैं। तो इफेक्ट वाली फाइल में आ जाना और यहाँ से दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लेना। दोनों लेयर कॉपी करने के बाद में आपको फिर से प्रोजेक्ट फाइल पे आ जाना। आने के बाद में हम जहाँ तक 28 सेकंड तक हम पहुँच गए वहाँ पे पहुँच जाना है। 28 सेकंड पे आने के बाद में यहाँ पे आपको 28 सेकंड और 6 पे आपको उस लेयर को पेस्ट कर देनी, दोनों लेयरों को। एक लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे इफेक्ट पे 21 सेकंड के पास आपको वो इफेक्ट ले लेना। यहाँ पे इस इफेक्ट को कंप्लीट लेयर कर लेना, मतलब ये ना ज्यादा इधर होना चाहिए बिट से और ना ज्यादा इधर होना चाहिए। यहाँ पे फोटो ऐड भी मिलेगी उसमें और लगातार इफेक्ट कर लेना। इसमें हम फोटो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद में एक इमेज ले लेनी है। इस प्रकार इमेज ऐड हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे ये इफेक्ट मिल जाएगा। तो इस इफेक्ट से इस लेयर पे दबा देना और इफेक्ट वाली फाइल पे दबा के 3 डॉट पे दबा के कॉपी इफेक्ट कर लेना। फिर प्लस वाले आइकन पे दबा के मीडिया में जाके आप कोई भी एक फोटो लेके आ जाना। इस प्रकार फोटो लेके इसे ऊपर वाले 3 डॉट पे दबा के कंप्लीट लेयर करके इससे आगे तक बिट तक काट लें। काटने के बाद में इफेक्ट पे दबा के 3 डॉट पे दबा के पेस्ट इफेक्ट कर देना। इसी प्रकार लगातार बिट तक इन्हीं इफेक्ट को यूज कर लेना। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।